गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुरजीत यादव फ्रॉम सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। फर्स्ट वी विल सॉल्व फ्यू वर्ड्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पाइस ऑफ केरला इज स्टिल वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटीज। जो केरला की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली स्पाइस है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटीज ऑफ केरला। ब्लैक पेपर इसका काली मिर्च है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है केरला से। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कुचिपुड़ी डांस फेमस। कुचिपुड़ी डांस किस राज्य की फेमस डांस है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी है। थर्ड क्वेश्चन है, हु सेड दैट इंडियाज यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट दैट इज समथिंग डीपर। किसने कहा था कि भारत की जो यूनिटी है बाहर से नहीं लाई गई है बल्कि आउटसाइड बट दैट इज समथिंग डीपर, लेकिन यह बहुत गहराइयों से संबंधित है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा साक्षर है? केरला। केरला इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है, विच इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला के सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सी है? ओडम। ओडम केरला की सबसे फेमस फेस्टिवल है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्स ऑफ लद्दाख आर एक्सपेंसिव। किस तरह की लद्दाख की सालें बहुत महंगी है? पश्मीना सॉल्स। इसका आंसर है पश्मीना सॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख के पश्मीना सॉल्स है वो सबसे महंगी है। नेक्स्ट है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। शॉर्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई आर पश्मीना सॉल्स एक्सपेंसिव। पश्मीना सॉल एक्सपेंसिव क्यों है? इसका आंसर है, पश्मीना सॉल्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज द वूल कम्स फ्रॉम द माउंटेन। जो पश्मीना सॉल्स बनाई जाती है वो उसके लिए वूल कहाँ से लाए जाते हैं? पहाड़ों से लाए जाते हैं, इसलिए वह क्या होती है? महंगी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। जो इंडिया में फेमस फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनके नाम लिखिए। इंडिया के फेमस फेस्टिवल कौन कौन से हैं? दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, ये सब किसके द्वारा मनाए जाते हैं? जो फेमस फेस्टिवल है हिंदू के द्वारा मनाए जाते हैं। और ईद उल फितर बाय मुस्लिम्स। जो ईद उल फितर है मुस्लिम्स के द्वारा मनाए जाते हैं। गुरु नानक जयंती बाय सिक्स। गुरु नानक जयंती किसके द्वारा मनाया जाता है? सिखों के द्वारा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बाय बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। महावीर जयंती बाय जैन्स। महावीर जयंती किसके द्वारा मनाया जाता है? जैन के द्वारा। एंड क्रिसमस बाय क्रिश्चियंस। क्रिसमस किसके द्वारा मनाया जाता है? क्रिश्चियंस के द्वारा। ये सब क्या है? भारत के फेमस फेस्टिवल्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी। जो धार्मिक विविधता है उससे आप क्या समझते हैं? धार्मिक विविधता से क्या है? धार्मिक विविधता का आंसर देखते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है? इंडिया इज सेकुलर कंट्री। भारत कैसा है? धर्म निरपेक्ष राज्य है, देश है। पीपल हियर हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आजादी है कि वो किसी धर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी धर्म को भी अपना सकते हैं। एंड हैव द राइट टू सेलिब्रेट द रिलीजियस फेस्टिवल्स। और अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को भी वो क्या कर सकते हैं? सेलिब्रेट, मना सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिलीजियस डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द अर्लीस्ट पेंटिंग विच आर प्रूफ ऑफ लव ऑफ आर्ट। जो भारत की अर्लीस्ट पेंटिंग है, जो प्रारंभिक पेंटिंग है, विच आर प्रूफ ऑफ लव ऑफ आर्ट, कौन कौन सी है वो जो प्रूफ ऑफ लव ऑफ आर्ट है, जो कला सौंदर्य के प्रूफ है? अर्लीस्ट पेंटिंग वो कौन कौन सी है? भारत के अर्लीस्ट पेंटिंग जो कला सौंदर्य की प्रतीक है वो निम्न है, जैसे रॉक पेंटिंग, जैसे चट्टानों की पेंटिंग, केव पेंटिंग सब अजंता, गुफाओं के पेंटिंग जैसे अजंता की, एलोरा के अनबाग की, एंड टेम्पल पेंटिंग्स आर
द अर्लिएस्ट पेंटिंग। और मंदिरों पर जो पेंटिंग की गई वो क्या है, ये सब अर्लिएस्ट पेंटिंग की प्रतीक हैं, विच आर प्रूफ ऑफ लव ऑफ आर्ट, ये जो कि क्या है, किसकी प्रतीक है, कला सौंदर्य के प्रतीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब, जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता क्या डिस्क्राइब करता है, किसका वर्णन करता है, इसको लिखना है। विविधता में एकता जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने लाया था, इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये विविधता में एकता शब्द है वो किसने पहले यूज किया था, नेहरू जी ने। टू डिस्क्राइब द कंट्री एट लेंथ, भारत की विशालता को दर्शाने के लिए उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ केरला, केरला की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। केरल की मुख्य फसलें देख लेते हैं, केरला इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, केरल का जो किसका मुख्य उत्पादक है, कोकोनट, कोकोनट मतलब नारियल का उत्पादक है, रबर, रबर का उत्पादक है, पीपल काली मिर्च का उत्पादक है, कार्डमम धनिया का उत्पादक है, जिंजर 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 मीन्स अदरक का, कोकोआ, कैसियो, आर्कानट, कॉफी एंड टी, इन सब का उत्पादक है मुख्य रूप से केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।